मॉर्निंग राधे राधे नमस्ते, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी सब ठीक है। मैं निमी सामंत आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से। तो मैं उठ गई थी आज 6:30 बजे, तो मैंने झाड़ू पोछा, नहाना धोना और कपड़े बर्तन, साथ में नाश्ता भी बना लिया है। तो अभी दिव्यांश और आयु भी उठ गए हैं, अभी अभी उठे हैं ये लोग। तो अब इन दोनों को क्या, दिव्यांश को करते हैं स्कूल के लिए तैयार, है ना दिव्यांश? रोज ये यही बोलता है कि मेरे को स्कूल नहीं जाना है। तो गुड मॉर्निंग तो बोल दो फिर, तभी नहीं भेजूंगी। आप भी गुड मॉर्निंग बोलोगे या पेट दिखाओगे अपना? सुबह सुबह पेट दिखा रहे, छलन नहीं आती है? गुड मॉर्निंग बोलो। एक तो ये सुबह सुबह बस रोते रहता है, ये देखो। अब एक को ठीक हुई खांसी, दूसरों के लग गई है। वाह रे वाह, तूने अपनी खांसी आयु को दे दी, है ना? ओहो हो, नाटक, देखो नाटक ये लोग करने लगे हैं सुबह सुबह नाटक खांसी आने का। तो मैं दिव्यांश का हाथ में धो के उसको करती हूँ स्कूल के लिए रेडी और उसको नाश्ता भी कराती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो गाइस दिव्यांश भी हो गया रेडी हाथ मुंह धो के, और मैं भी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ दिव्यांश को स्कूल छोड़ने। ये रहा दिव्यांश, आज इसने पहन लिया गर्मी वाली ड्रेस। ये तो दिखाओ दिव्यांश, ये देखो दिव्यांश हो गया रेडी स्कूल जाने के लिए। अब मैं छोड़ के आती हूँ जल्दी से इसको स्कूल। स्कूल यहाँ थोड़ी ना है। ये देखो गाइस चीजी नहीं दिला रहे करके घर जा रहे हैं। चल दिला दूंगी चल, लेकिन पैदल चलना पड़ेगा। तो स्कूल में खाने जाता है कि पढ़ने जाता है? इधर देख के बोल। खाना खाता है, पढ़ाई नहीं करता है स्कूल में जाके? करता है। आज किस चीज का पेपर है? जय श्री राम का। ईवीएस का बोल, ईवीएस का बोल, ईवीएस का पेपर है बोल मेरा आज। बस हम पहुंचने वाले हैं, ये थोड़ा सा भी पैदल नहीं चलता है, इसको गोद में लेके जा रही हूँ मैं। पहुंच गए स्कूल, ये रहा किंडर वर्ल्ड स्कूल। आराम से बाय, गुड मॉर्निंग बोलो मैम को। दिव्यांश बाय। घर से जा रहे स्कूल के बच्चे, सरकारी स्कूल के, इनको देख के अपने स्कूल के दिन भी याद आ जाते हैं। स्कूल पहुंचाने के बाद मैं भी पहुंचने वाली हूँ अब घर पे। तो अभी भाई को नाश्ता कराना है, इसके पापा तो आज आए ही नहीं है, शायद सीधे दुकान पे चले गए होंगे दुकान खोलने के लिए। तो मेरे को उनका वेट करना पड़ेगा, वो आएंगे तो भी नहाएंगे धोएंगे फिर वो दुकान जाएंगे, तब जाके मैं फ्री होंगी। ओ यार मेरे को सर्फ लाना था, मैं भूल गई, तो वापस जाना पड़ेगा दुकान के लिए सर्फ लाने। याद नहीं रहता आजकल कुछ भी चीज़ें, याद नहीं रहती है। मेरे को वापस जाना है दुकान से, सर्फ लेके आना, सर्फ नहीं आज तो कपड़े कैसे भी लेंगे। मैं जल्दी से लेके आती हूँ। सर्फ एक्सल लेके दुकान से, जल्दी जल्दी से कराते हैं भाई को नाश्ता, भाई को पकड़ के उसके बाद जाएंगे हम भी कहीं दिखाओ क्या जाओ। वाव ये स्टाइल देखो गाइस। मैं भी हो चुकी हूँ रेडी और आयु भी रेडी हो गया है। अब हम लोग रेडी तो हो चुके हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको बाद में ही पता लगेगा, तो आप मेरा ब्लॉग एंड तक देखना। लेकिन अभी दो चीज़ों की वजह से रुका हुआ है, एक तो गुन्नू के पापा नहीं आए हैं, दूसरा मेरे मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। जैसे ये धुलते हैं और जैसे इसके पापा आते हैं तभी जा पाएंगे, जब इसके पापा का वेट है और कपड़े तो धुल ही जाएंगे, 15 मिनट बचे हैं बस। तो मिलते हैं अभी, देखो हम कहाँ जा रहे हैं, दिखाऊंगी मैं आपको। दिव्यांश के पापा आ चुके हैं अब और हम भी निकल चुके हैं रूम से, तो 2 मिनट का रास्ता है जहाँ हम जा रहे हैं, बस पहुँच के दिखाती हूँ आपको। फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं आज अपनी शॉप पे, गर्ल्स फैशन पॉइंट। फाइनली आज बहुत दिनों के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी शॉप पे, तो आज दिखाऊंगी, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको बाहर से मैं अपनी पूरी शॉप। अभी आयु के उल्टे काम शुरू हो गए हैं, देखो यहाँ बैठ गया है, आते ही उल्टे काम शुरू करने लग जाता है, कैमरे लगे थे उसी का है। इधर
अच्छा बैट बॉल खेलेगा नीचे, या फिर तभी तो मैं आ नहीं पाती हूँ दुकान, क्योंकि ये दोनों बहुत दुखी करते हैं। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको पूरी अपनी शॉप, पहले दिखा देती हूँ मैं आज का अपना लुक जो है ये। तो गाइस ये हमारी शॉप है, ये गर्ल्स फैशन पॉइंट करके, बसंती बाग साई रोड बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलनपुरा दिख रहा है यहाँ पे एड्रेस। तो ये शॉप तो मैं दिखाती हूँ आपको फिर शॉप अंदर से अच्छे से। यहाँ पे शूज़ भी मिलेंगे, हर प्रकार के लड़कियों के कपड़े मिलेंगे लोगों को शॉप अंदर से। तो यहाँ लगे हैं कपड़े, अभी स्टार्ट हो गया है क्या बोलते हैं गर्मी सीजन के सारे कपड़े लग गए हैं, टॉप वगैरह ये है, ठंडियों की जैकेट वगैरह है इधर, और इधर लेगी वगैरह रखी हुई है। और यहाँ है शूज का कलेक्शन है, शूज है, जूतियाँ हैं, हील में है, और इस प्रकार से सैंडल भी हैं, और इस साइड भी जूते वाले शूज है, पंजाबी जूतियाँ मिल जाएंगी आप लोगों को, हर प्रकार के जूते मिल जाएंगे, और टॉप वगैरह भी लगा दिए अभी हमने, सारा गर्मी का कलेक्शन मिल जाएगा आप लोग। तो ये रही हमारी शॉप, आपको कैसी लगी जरूर बताना। तो गाइस अब दुकान में बैठे बैठे हमको हो गया है 12:30, तो अब दिव्यांश को भी लेने जाना है स्कूल से, तो आयु और मैं जा रहे हैं अब घर को, तो पहले दिव्यांश को लेके आएंगे फिर जाएंगे रूम पे। तो चलते हैं अब घर को, रास्ते का तो वीडियो बन नहीं पाएगा क्योंकि महाराज जी हैं साथ में, इनके साथ कहाँ वीडियो बनता है फिर, और जल्दी जल्दी भी जाना है, टाइम हो गया है मेरा ज़्यादा, तो निकलते हैं अब जल्दी जल्दी से घर को, वहीं से आयु को गुन्नू को लेंगे फिर उसके बाद रूम पे। तो गाइस मैं दिव्यांश को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ, हम लोग स्कूल में पहुँचे थे 1 बजे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि हम 12:30 बजे के बाद निकले थे वहाँ से, 10-15 मिनट लग जाते हैं स्कूल में पहुँचते पहुँचते, फिर इन दोनों की होने लग गया स्टार्ट लड़ाई। अभी मेरे को खाना भी बनाना है, मैं बना लेती हूँ जल्दी से लंच। अब देखो इनकी किस बात पर लड़ाई हुई इनका, देखे जा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ आयु, नहीं दे रहा, जल्दी दे इसको, दे दे जल्दी दे कहीं से, ये रे आयु, ये देखो मारने के लिए देखो कैसे जाता है, बाल बना रहे है, दादा के बाल बना दे बाल बना दे रहे दादा, ये गिरा गिरा, मैं तो गिरा, ये गिरा हुआ बच्चा है ये लड़का ना, तो शैतानियां करता है ना गिरी जाता है। चलो गाइस मैं भी जल्दी से खाना बना लेती हूँ, बहुत लेट हो गया, कब खाना बनाऊंगी मैं, कब खिलाऊंगी इनको, तो दवाई भी खिलानी है दिव्यांश को, और खांसी आ रही है हल्की हल्की, उसको दवाई खिला के वो सो जाएगा मुझे पता है दवाई खाने के बाद, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैंने बना दिया है लंच, लंच में मैंने बनाया है गोंद की चटकानी और चावल, तो दिखाती हूँ आपको, ये रे चावल और ये रही गोंद की चटकानी। तो गाइस हम लोग कर लेते हैं जल्दी से लंच, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोगों ने कर लिया लंच, लंच करने के बाद दोनों बच्चे टीवी देखते देखते दोनों को नींद आ गई है, और अभी मैं बस कपड़े वपड़े डाल रही थी धूप में, थोड़े से डाले गई थी मैं, और थोड़े अभी डाले, अब मैं भी करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, देखते हैं क्या होता है, फिर मिलती हूँ जब उठेंगे उसके बाद। तो गाइस हम लोग हो गए तीनों के तीनों रेडी उठने के बाद, अभी उठे थे हम 4:30 बजे, फिर हमने हुए रेडी, अभी बज गया 5, तो हम 5 बजे जा रहे हैं पार्क को, ये हमारी रोज की ड्यूटी है, ड्यूटी पूरी करना जरूरी होता है इसलिए हम जा रहे हैं तीनों के तीनों रोज की तरह पार्क। हम लोग आ चुके हैं पार्क में, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, ये विरोनिका है दिव्यांश की फ्रेंड, दीदी है इनकी, ये हमारे रूम के पीछे रहती है जो ब्लू वाला घर है उसमें, और अभी हम लोग पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे मिट्टी खाने के लिए भाग रहे हैं बस, ये लोग छोटी बच्ची कितने प्यार से बोल रही है, कितना क्यूट बच्चा है ना ये, इसकी बातें सुनो, हाँ आप मेरे साथ चलोगे, मैं बैग ढूंढ लूंगी आपका, पक्का टिश्यू करो मेरे को एक, चलो मैं परी हो जाऊंगी तो मैं पुलिस बनूंगी, सच्ची ये मेरा बच्चा नाराज होके चला गया उधर, देखना वो इसको प्यार करेगा, कितने प्यार से बोलती है छोटी सी गुड़िया है।
फ्रेंड्स पार्क से आ गए थे हम। उसके बाद मैंने कपड़े अपड़े उठाए, सारे कपड़े बाहर ही थे, कपड़े उठाई हूँ। अभी डिनर बनाना है, डिनर में सोच रही हूँ मैगी और रोटी बना दूँ बच्चों के लिए। और तो क्या बनाओ, अभी दोनों कार्टून देख रहे हैं तो उन्होंने परेशान करके रख दिया, तब दिमाग खराब कर देता है। कभी कुछ गिरा देते हैं, कभी कुछ, घर पे आके भी इनको बस चीजी 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 के लिए तो ज़्यादा दुखी करे रहते हैं। अभी थोड़ा शांत हुआ, अभी मैंने टीवी लगा रखा है तो इनका थोड़ा सा काम कर लूँ। अब करते हैं, जल्दी से बनाते हैं डिनर, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस मैंने बना दिया मैगी और रोटी, मेरी मेरी मैगी और ये रोटियाँ। अब हम लोग कर लेते हैं डिनर, डिनर करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस हम लोगों ने कर लिया डिनर, डिनर करने के बाद अब हम लोग देख रहे हैं थोड़ी देर टीवी। मैं तो अब सो ही जाऊंगी, हम तो थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, थकान लगी आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैदल पैदल ही ज़्यादा चलना हुआ था आज। जैसे कि हम लोग दुकान वगैरह गए थे, वहाँ से पैदल ही आए थे। तो अब मैं करती हूँ इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी तभी आप सबसे पहले देख पाओगे। तो गाइस तो इसी के साथ करती हूँ मैं आज के ब्लॉग का एंड। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।